Hello students, welcome to Easy Peasy Maths by Vishali Gupta. Now we are going to discuss the question number 7 of exercise 2.2 whole numbers. इसमें क्या है, match the following है कि एक side ये लिखी हुई है, एक side ये लिखी हुई है. जैसे आप देख सकते हो, commutativity under multiplication, commutative under addition and distributivity of multiplication of addition. तब आप ये देखिए, जैसे इसमें लिखा है 425 into 136 और फिर इन्होंने 136 का ब्रेकअप करके लिख दिया 6 प्लस 30 प्लस 100. तो इसको देख के ऐसा नहीं लगता कि ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे इसे हर एक से. 425 इंटू 6 करेंगे प्लस, फिर 425 इंटू 30 करेंगे, फिर 425 इंटू 100. तो इसका पार्ट क्या होगा, सी. अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आप इसे और अच्छा एक्सप्लेन कर दूंगी. अब ये देखिए सेकेंड पार्ट कहता है 2 into 50 into 50. हमने इतने क्वेश्चंस में देखा था कि अगर हम जैसे ये मान लीजिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये एक तरह से ये हो गया a into b is equal to b into a. हमने पोजिशन चेंज कर दी, ठीक है. तो ये क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो गया कॉम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो हो गया ए पार्ट. तो ये हो गया ए पार्ट इसका आंसर, ठीक है. इसका आंसर था सी पार्ट. अब ये देखिए यहाँ पे 80 प्लस 2005 प्लस 20 और बाद में लिख दिया 80 प्लस 20 2005. तो ये एक तरह से ये अगर ये वाला पार्ट देखें और इसका ये वाला पार्ट देखें, तो हम लिख सकते ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कर दिया इन्होंने, इसे इधर ला दिया, इसे इधर ला दिया. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन. तो ये हमारा कौन सा हो गया, बी पार्ट. तो फर्स्ट का सी आंसर है, सेकंड का ए आंसर है, थर्ड का बी आंसर है. अगर किसी को नहीं समझ में आया है या कोई डाउट है तो प्लीज़ अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे ज़रूर डिस्कस करूँगी. तो अब हमारी एक्सरसाइज 2.2 यहीं पे ख़त्म होती है. और इफ़ यू लाइक माय वर्क प्लीज़, देन प्लीज़ प्लीज़ शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट, नोट मार्क इट फॉर नोटिफिकेशन, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आए.